दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के 10 बेस्ट ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में तीनों ग्रह किसी भी राशि में किसी भी घर में बैठे हों आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला और बेस्ट उपाय तो यही है कि आप हर शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर माथा टेकने अवश्य जाएँ। इसके साथ शनि देव तो प्रसन्न होते ही हैं और इसके साथ राहु और केतु ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शनि देव के मंदिर नहीं जा सकते तो आप हनुमान जी के मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों हनुमान जी को भी ये वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है उसे कभी भी शनि द्वारा कष्ट नहीं मिलता। दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद काली चींटियों को सतनाजा डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं या काले तिल डाल सकते हैं। ये भी दोस्तों बेस्ट उपाय है इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने का। तीसरा उपाय ये है कि आप प्रतिदिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते तो आप शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य करें, ये भी बेस्ट उपाय है। चौथा उपाय, आप प्रतिदिन कौए को एक रोटी अवश्य ही खिलाएँ। पांचवा उपाय दोस्तों, आप काले रंग के कुत्ते को एक रोटी अवश्य ही खिलाएं। अगर आप हर रोज़ नहीं खिला सकते तो आप शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य ही करें। छठा उपाय, आप प्रतिदिन पंछियों को सतनाजा डाल सकते हैं या बाजरा डाल सकते हैं। ये भी दोस्तों बेस्ट उपाय है राहु और केतु को प्रसन्न करने का। सातवां उपाय, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आठवां उपाय, शिवलिंग को प्रतिदिन जल अभिषेक करें। नेक्स्ट उपाय है, आप शनि चालीसा या शनि के सामान्य मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। यह मंत्र है ओम शनि नमः। और लास्ट में आप अनाथ, बेसहारा, लंगड़े, अपाहिज, गरीब व्यक्तियों की सहायता किसी न किसी प्रकार से अवश्य करते रहें। तो दोस्तों अगर आप इन उपायों में से दो तीन उपाय भी रेगुलर करते हैं तो आप इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो